कि जितना वक्त वो आपके साथ अभी तक गुजार चुके हैं, आगे उनके पास उतना वक्त है कि नहीं? एंड आई थिंक पेरेंट्स से इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता, एंड इररिप्लेसेबल लॉस है। मैं मेरी मम्मी को देखती हूँ, मुझे डर भी लगता है, मुझे मोहब्बत भी होती है। मुझे लगता है एक दिन होगा जब ही मेरे सामने नहीं होंगे। देखो, दावत देने का काम ना मोहब्बत का है। जो दावत है वो काम ही मोहब्बत है। वो आप चिल्ला कर, किसी पे जोर जबरदस्ती करके, डंडे मार के आप नहीं कर सकते हो। मैं भी घर वालों के साथ कर सकते हो, बट बाहर ये काम नहीं हो सकता। मेरे घर में तो मुझे इंस्पेक्टर ही बुलाते थे। मेरी मम्मी तो पहले ये कहती थी, जब मैं उमरा करके नया नया हम आने लगे और मैं नमाज की एकदम पाबंद, एकदम फुल ऑन, 5 वक्त ऑन टाइम, मुझे ऐसा लगता था वाओ, अब मैं अगर पढ़ती हूँ तो कोई 5 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। मैं इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी। तो मेरी मम्मी कहती है, मतलब अगर तूने दिन का काम शुरू किया तो डंडे मार के मुसलमान बनाएगी लोगों को। मतलब मम्मी लोग का ये लैंग्वेज होता है। एंड जब चीजें लास्ट ईयर मेरे अंदर चेंज होने लग गई ना, तो मैं बहुत, एक होता है ना, जब आप जो चीज में ज्यादा घुस जाओ जुनून हो जाता है, बहुत जुनून हो जाता है। मैं अभी थोड़ा रिलैक्स, मैं जब दावत का काम शुरू कर, ऐसे नहीं कर सकती हूँ मैं। तो घर वालों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके पेरेंट्स की एज आपसे बहुत ज्यादा होती है, करेक्ट? ऑफ कोर्स दिल में हमेशा एक रहता है कि जितना वक्त वो आपके साथ अभी तक गुजार चुके हैं, आगे उनके पास उतना वक्त है कि नहीं? एंड आई थिंक पेरेंट्स से इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता, एंड इररिप्लेसेबल लॉस है। मैं मेरी मम्मी को देखती हूँ, मुझे डर भी लगता है, मुझे मोहब्बत भी होती है। मुझे लगता है एक दिन होगा जब ये मेरे सामने नहीं होंगे। और तो जाहिर सी बात है, हम कोशिश करें कि हम अपने माँ बाप, अब जब आपके साथ है तो आप उनकी इज्जत करें, उनसे प्यार करें, और जो भी उनकी डांटों को, उनकी बातों को सीरियसली ना लें, इतने सीरियसली ना लें, क्योंकि वो आपके लिए खैर ही चाहते हैं। और मुझे तभी ऐसा था कि जब मैं चीजें सब पढ़ने लग गई और सब सीखने लग गई, तो मुझे पता चला कि यार मैं जो गलत करूंगी इसका असर मेरे माँ बाप को भी होगा, क्योंकि अल्लाह तो उनसे सवाल करेगा ना कि आपको मैंने इनकी माँ बना के क्यों भेजा, कि आप इनको सही रास्ता दिखा सके, लेकिन ये पूरी जिंदगी गुमराह रहे, आपने क्या किया? और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी के ऊपर ये सवाल उठे आखिरत के दिन। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी सिर्फ इस दुनिया में खुश रहे कि मैं काम कर रही हूँ, उनके लिए एक्सपेंसिव कपड़े ला रही हूँ, इन्हें घुमाने लेके जा रही हूँ, पर इनकी आखिरत जीरो कर रही हूँ एक ऐसा काम करके जो गैर मुनासिब है। और इस पे तो हर, मतलब अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, हर किसी की लानत है जब इंसान गुमराह हो जाता है तो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप के साथ इस तरीके से हो। तो जाहिर सी बात है, मेरे दिमाग में सबसे पहले आया, जब मैंने तौबा भी की ना, तो मैंने अल्लाह से यही नियत की कि अल्लाह मैं तौबा तो कर रही हूँ, बट मेरी तौबा का सबसे मेन 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 रीजन है, डेफिनेटली मेरी मगफिरत तो है, बट या अल्लाह सबसे पहले मेरी माँ बाप की मगफिरत कर देना, क्योंकि ये लोग जाने अनजाने में मेरी इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। और पता नहीं किस चीज की वजह से ये मुझे रोक नहीं पाए, मैं रुक नहीं पाई, जो भी हुआ, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका अजाब इनको पड़े। और मैंने रियलाइज किया कि अब मैं इतना अच्छा करना चाहती हूँ, इतना अच्छा करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी को इतना अच्छा करना चाहती हूँ कि इन सब का सवाब मेरे माँ बाप को मिले। और जो ऑफकोर्स मेरे नाना नानी है सब, जब मुझे अनस बताते थे तो कहते थे कि हमारे पूरे घर वालों को दिखाया जाता है बाकायदा,
हम क्या करते हैं हर जुम्मेरात को कि आपकी आने वाली नस्ल क्या करती है। एंड आई वाज लाइक मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे नाना ने ये देखे, मैं नहीं चाहती हूँ आगे जाके मेरे माँ बाप ये देखे। तो मेरा एक ही, मैं हमेशा अनस को ये पूछती रहती थी कि मैंने तो तौबा कर ली, कि शुरुआत में मेरा बहुत सवाल होता था क्योंकि मैं नई नई आती थी ना, नई नई चेंज हो रही थी, नई नई चीजें सीख रही थी, तो दिल बहुत ऊपर नीचे रहता था। तो मैं हमेशा ही बोलती थी अनस को, अनस श्योर ना मेरी मगफिरत हो जाएगी, मुझे तो मतलब डाउट नहीं है पर डर लगता है। तो दुआ तो हमेशा मांगती हूँ पर कभी भी उन्हें डर बैठा रहता है कि अल्लाह ने मेरी मगफिरत करी है कि नहीं, मेरे गुनाहों को माफ किया है या नहीं। क्योंकि एक होता है ना जाती गुनाह होता है, ठीक है, जो आपसे जुड़ा है। आप अब अपने घर में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो आपसे जुड़ा है, कोई देख नहीं पाता है। आप कभी भी तौबा करके करेक्ट कर सकते हो उस चीज को, है ना। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे प्रोफेशन में थे, कहते ना ऐलानी गुनाह, खुद तो कर ही रहे साथ ही साथ और लोगों को अपने साथ लेकर डूब रहे। अब मुझे जब इतना मजमा फॉलो करता था, मुझे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 42 लाख फॉलोअर्स है, फेसबुक पे 20-30 लाख फॉलोअर है, स्नैपचैट पे है, एंड आई वाज लाइक मैं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुमराह कर रही हूँ और इनकी नस्लें चलती रहेगी, जो इनसे देखकर इस सब का तो इनडायरेक्ट गुनाह मुझे आएगा ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड तब मुझे पता था कि अब मेरा काम दावत का है, और जो मैंने ऐलानी, चाहे आप, मुझे तो सच्ची कहूँ तो वर्ड बोलते हुए भी शर्म आती है क्योंकि मैं खुद के लिए ही बोलूंगी तो मैं स्किप करूंगी, बट जो भी हम करते थे खुलेआम, एटलीस्ट यू नो मेरा ये था कि अब मैं उसी प्लेटफॉर्म को, उसी लोगों को यूज करके अपना सही चीज, उस प्लेटफॉर्म को एक सही चीज का जरिया बनाऊंगी और दीन की दावत देने का एक जरिया बनाऊंगी। और कहते ना कि कोई चीज अगर आपको, कोई गुनाह की चीज अगर आपको करेक्ट करनी हो तो आपको पहले वही चीज से करेक्ट करना शुरू करना पड़ता है। तो मेरे अंदर ये 2019 से ही आ गया था कि जब मैं कोई वीडियो डालती थी, कोई ये डालती थी, मैंने कहा यार मुझे देख के 4 लोग और बना रहे, तो उस टाइम तो बहुत अच्छा होता था ना, मुझे देख के इन लोगों ने इतना टिकटॉक बनाया, वाह मुझे देख के लोगों ने ये डांस किया, मतलब मैंने इन्फ्लुएंस किया। अब प्रोफेशन में है तो कर भी रहे, लेकिन अंदर ही अंदर लग रहा है कि यार ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, और मैं कैसे बोलूं कि यार ये मत करो, मतलब मैं तो छोड़ने ही वाली हुई है, यू नो आई एम ऑन दैट वर्ज कि मैं छोड़ने वाली हुई है, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं बस ये अभी कर रही हूँ पर मैं छोड़ने वाली हूँ, मैं मेंटली रेडी हूँ इस चीज को छोड़ने के लिए, लेकिन आप लोग मत करो क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। मेरा माइंड स्ट्रांग है, मैं एक, बिकॉज मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूँ, लेकिन मैं स्टबर्न नहीं रही हूँ। आजकल इंडिपेंडेंट लेडीज में या बॉयज में प्रॉब्लम क्या है, इंडिपेंडेंट है ना स्टबर्न है, मैं जो करता हूँ या करती हूँ वही सही है, मैं जो करता हूँ या करती हूँ बोलती हूँ वही सही है, ये इंडिपेंडेंस का गलत तरीका है। इंसान इंडिपेंडेंट के साथ स्मार्ट होना चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट हूँ लेकिन मैं स्टबिन नहीं रही, ये चीज गलत है, ये मुझे नुकसान दे रही है, मुझे बदलना है, मुझे अपने ख्याली पुलाव में नहीं रहना है कि नहीं मैं ही सही, मैं ही, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मुझे कोई बता नहीं सकता, मैं इससे ऊपर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इससे ज्यादा है, नहीं, आज मुझे कोई मेरे से छोटा बच्चा सिखा के चले जाएगा जो मुझे नहीं पता हो। तो ये एक चीज मैंने सीखी कि आपको कोई भी सिखा सकता है, एक जाहिल इंसान जिसको अगर दीन की बात करूं तो दीन का कोई नॉलेज नहीं हो, लेकिन कोई ऐसी चीज सिखा दे जो आपने इतनी बुक पढ़ ली तो भी नहीं पता है, और कोई छोटा बच्चा आपको सिखा दे। मेरे घर में तो जितने मेरी ननंदों के छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे अच्छे से दुआ पढ़ते हैं, सारी दुआएं, मैंने कहा लगता है इनसे ही सीखनी पड़ेगी आधी दुआएं मुझे। तो यू नो इनको देखकर इतना अच्छा लगता है कि जब मैं इनको देखती हूँ ना मेरे घर में, यू नो बच्चों को, तो मैं अपना फ्यूचर देखती हूँ उसमें कहीं ना कहीं कि व्हेन आई विल हैव किड्स दिस इज व्हाट आई वांट टू सी, लाइक यही मेरा प्रेजेंट है और यही मेरा फ्यूचर है।